मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास पर कल रात में करीब 10:30 बजे के आसपास एक ट्रक चालक को 4 से 5 की संख्या में लुटेरों ने चालक को चाकू की नोक पर करीब 10,000 रुपये कैश और उसका मोबाइल फ़ोन लूट लिया। मुमरा बाईपास गांव देवी के पास में ये घटना सामने आई है। सिलफाटा की तरफ से थाने की तरफ ये ट्रक लोहे के सरिये लेकर जा रहा था, मगर गांव देवी के पास जब ये ट्रक पहुंचा तो ख़राब हो गया। ट्रक बंद होने के बाद वहां ट्रैफिक कांस्टेबल भी पहुंच गए और ट्रक में चालक को बैठने के लिए कहा और ट्रैफिक कांस्टेबल क्रेन लेने के लिए चले गए। इसी दौरान चालक के गले पर और पेट पर चाकू रख कर लूटपाट की, जबकि मुमरा बाईपास पर स्ट्रीट लाइट बंद है और कांस्टेबलों को भी ये मालूम है कि इस बाईपास पर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर लूटपाट की घटना सामने आती है, तो इन ट्रैफिक कांस्टेबलों को चाहिए था कि इस ट्रक चालक को भी अपने साथ ले जाना चाहिए था, अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मगर जब इस ट्रक चालक से धारदार हथियार रखकर लूटपाट की जा रही थी तो चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग दौड़े, मगर फिर भी चालक लूट का शिकार हो गया। कुछ दिन तो बाईपास पर स्ट्रीट लाइट जल रही थी, मगर घटनाएं थोड़ी बहुत रुकी भी थी, मगर अब तो पूरा मुमरा बाईपास अंधेरे में है, इसलिए लूटपाट की जैसी ये घटना अब सामने आ रही है। चाकू लगा है। क्या नाम है आपका? शौकीन सिंह। अच्छा, कहाँ से आप कहाँ जा रहे थे? क्या वड़कल से सरिया लोड करके खानपुर जा रहे थे। खानपुर क्या हुआ आपके साथ यहाँ पर? यहाँ पे पीछे गाड़ी खराब हो गया, पीछे मैंने लाइट बता रहा उसको, गाड़ी साइड दिखा रहा था, 4-5 आदमी आए थे, चाकू लगा दिए, मोबाइल मेरा हाथ में था, छीन लिया मोबाइल और पैसे छीन लिए, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये? कितने बजे हुआ ये? एक आधा घंटा पहले, आधा घंटा पहले, यानी 10:30 बजे का। हाँ, 10:30 बजे। और कुछ उन्होंने कहीं वार और तो नहीं किया आपके ऊपर? वार नहीं किया, एक चप्पल पेट में लगाया, एक यहाँ लगाया गर्दन पे। 10,000 रुपये और मोबाइल लेके? 10,000 मोबाइल लेके। जब तक ये आगे, जब तक यहाँ के स्थानीय लोग पहुँच गए, हाँ, ये आने के बाद। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।